Under partly cloudy skies in Mendig, Germany, at a not too dissimilar evening in Islamabad, UK, the concluding session of Jalsa Salana Germany 2024 commenced. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, entered the Masroor Hall to passionate slogans from those hundreds of miles away in the town of Mendig. Islam, <todic> The land of Germany was blessed by Hazur's address through the blessed institution of MTA. The voice and blessed countenance of Hazur, may Allah be his helper, reached far and beyond the confines of Islamabad. In his concluding speech, Hazur reflected on the opposition faced by the promised Messiah Alayhislam, following his prophetic claims. <laughs> आ हज़रत सल्लम की पेश गोइियों और अल्लाह ताली के हुम और वादे के मुताबिक उसी वक्त से ही उन्हीं की अक्सरियत जो आपको इस्लाम का सबसे बड़ा पहलवान और इस्लाम को दिफा करने में अव्वल नंबर पर समझते थे उनकी अक्सरियत आपकी मुखालफ हो गई और आप पर कुफर कुर के फ़त् लगाने लग गई आपने उन पर वादे फ़रमाया और लाख समझाया कि मेरा आना जमाने की ज़रूरत और आ हज़रत अलैहि वम की गुलामी में आना है और इस्लाम की नश्त ानिया के लिए आना है और अल्लाह ताला ने और सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने जो आने वाले के ज़माने की निशानियाँ बताई हैं वो पूरी हो रही हैं और ज़माना पुकार पुकार कर कह रहा है कि यही वो ज़माना है जिसमें मसीह उमैदी ने आना था लेकिन मुखालफी की आँखों में ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि बावजूद ये मानने के कि जमाने की ज़रूरत है हजरत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को मसीह माऊद और महदी माऊद मानने को तैयार नहीं लेकिन ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ मसीह माऊद है इसलिए अल्लाह बावजूद मुखालफत के जमात को तरक्की देता चला जा रहा है और अपने वादे को पूरा फरमा रहा है और हर साल लाखों सीद्रूहें आपके सिलसिला में शामिल होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी गुलामी का जुआ अपनी गर्दन में डाल रही हैं हजूर <laughs> अनवर में अल्लाह पर फोर्स ऑफ दाम पिंग ब्रिटिश द नीड फॉर पर अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा लगाया जाता है आपने इस जमाने में जब हिंदुस्तान में फिरंगी हुकूमत थी खुल कर उनके मकर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद फरमाई और बताया कि यही वक्त है जब इस्लाम की हिफाजत के लिए किसी मुसले का आना ज़रूरी था ये वक्त की आवाज़ है और मैं आ गया हूँ आपने अपने एक शेरी कलाम में फ़रमाया कि वक्त था वक्त मसीहा ना किसी और का वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता लेकिन आपके दिल में जो इस्लाम का दर्द था इस पर अल्लाह ताला ने आपको ही मबूस फरमाया इस काम के लिए हज़रत खलीफुलमसीद फेफ्त में अल्लाह पेपर देन वेंट ऑन टू सेवरल इंस्पिरेशनल इंसीडेंट्स ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम अहमदीत वन सच इंसिडेंट वाज़ फ्रॉम गिनी को इसी तरह एक और इमाम का वाक्य लोकल मिशनरी शरीफ कबा साहब एक दूर के इलाके में गए गिनी को नाकरी मुल्क की बात है और की अदायगी के बाद मस्जिद में मौजूद गांव के इमाम साहब की मौजूदगी में हजरत वसीम की आमद और आपका मुक़ाम जो हज़रत मोहम्मद रसूल सल वसम ने अदीस में बयान किया है बड़ी तफसील से पेश किया जब कहते हैं हम पैगाम मुकम्मल कर कर लिया तो मस्जिद के इमाम हुसैन फूमा साहब ने सबको मुखातब होते हुए कहा कि सिद के दिल से और तमाम सच्चाई के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन अहबाब के आने से कुछ अर्से कबल मैंने ख़्वाब में देखा था कि कुछ अजनबी लोग हमारे गांव में आए हैं और हम जो मुसलमान हैं हमें इस्लाम का ही पैगाम दे रहे हैं और उनके पैगाम में इतनी पाकिजगी और सच्चाई है कि हमारा गाँव तेज़ रोशनी से मुनवर हो गया है और तमाम अंधेरे दूर हो गए हैं इस पर कहते हैं मेरी आँख खुल गई और मैं सोचने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की तरफ़ लाना चाहता है आज जब मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, मेरा दिल इस नूर से जो मैंने ख्वाब में देखा था, हकीकतन मनोबल होता जा रहा है, और ये कहने लगे कि बगैर किसी शक के मैं बेहत करके इस हकीकी इस्लाम में शामिल हो रहा हूँ। तकबी इस्लाम अहमदिया गुलाम अहमद की। Towards the end of his address, Hazur Me Allah Bihopar prayed for the attendees of Jalsa Germany. दुआ करें अल्लाह ताला तब लोग यहाँ जो जमा हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में तकरीबन एक पैंतालीस हज़ार की तादाद में खैरियत से लोगों को घरों के ले जाए हर किस्म की तकलीफों से बचाए अहमदियों के लिए खास तौर पर दुआ करें जो पाबंदियों में जकड़े हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी आज़ादी दे दुनिया की अमूमी हालत के लिए भी दुआ करें एक तबाही के दहाने पर ही दुनिया खड़ी है अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानती अल्लाह ताला इनको भी अकल दे अल्लाह ताला हर रहमती को जंग किया और दूसरी आफात की तबाकारी से महफूज रखे अब दुआ कर लें आमीन Azur -e anwar stayed present to listen to various poems from Germany. Hamsabiki Muskurate Rashid, MTA News.